बाराबंकी जनपद से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह घोला छाप डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों से मिलीभगत कर रुपए लेकर वैक्सीन लगाते रंगे हाथ पकड़ में आया है। आपको बता दें कि जनपद के हरक सीएचसी प्रभारी सुनील कुमार को कई दिनों से जैतपुर थाने के गौरछोरा गांव में विजेंद्र कुमार नामक झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर रुपए लेकर वैक्सीन लगाने की जानकारी मिली थी। जब प्रभारी ने विभागीय उच्च अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर छापा मारा तो टीम के होश उड़ गए। अवैध क्लिनिक पर वैक्सीन लगाने का काला कारनामा किया जा रहा था। इतना ही नहीं, वैक्सीन लगाने के बाद मिलने वाले कार्ड व कई कोविशील्ड की खाली वायरल भी मिले। पूछताछ के बाद झोला छाप डॉक्टर ने टीम को बताया कि वह सुविधा उसे संदीप कुमार नामक व्यक्ति लखनऊ से लाकर देता था। प्रति वैक्सीन टीका लगाने के बदले लोगों से 125 रुपए लेता था। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सरगना संदीप की खोजबीन में जुट गई है। जनपद बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र में एक विजय कुमार नाम का व्यक्ति है जो फर्जी तरीके से लोगों को वैक्सीन लगा रहा था, कोविड वैक्सीन, और वो फर्जी प्रमाण पत्र भी जारी कर रहा था। क्रम में एक मुकदमा दर्ज किया गया है जयपुर थाना क्षेत्र में 419/67/71 और अन्य आईएमए की धाराओं में। और इसके साथ ही एक जो इसका सीएचओ है संदीप कुमार, ये इसको वायल उपलब्ध कराता था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, उसको भी इसमें नामजद किया गया है। उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। एक संदीप मिश्र, डॉक्टर पद्मेश मिश्रा हैं इनके एक साथी जो इसको पूरी तरीके से गवर्न कर रहे थे और जिनके नाम पे ये हॉस्पिटल पूरा चल रहा था, उनको भी इसमें मुलजिम बनाया गया है। और जो अन्य साथी भी इनमें शामिल हैं उन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है जो ऐसे फर्जी तरीके से कोविड वैक्सीन लगा रहे हैं और या प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, उनको इसमें नामजद किया जाएगा और उस विधिक कार्रवाई की जाएगी।